दोस्तों प्रश्नों उत्तरी की इस कड़ी में हम लेकर आए हैं एक और कड़ी। तो दोस्तों आज देखते हैं कि इस कड़ी में कौन कौन से भूगोल के प्रश्न हैं, इन प्रश्नों को हम हल कर लेते हैं। तो दोस्तों हमारा पहला प्रश्न है कि मौसम और उसकी बनावट का मुख्य कारण क्या होता है, यानी पृथ्वी पर जो मौसम बदलते हैं इनका मुख्य कारण क्या है और किस कारण से ये पृथ्वी पर मौसम बदलते हैं। तो दोस्तों हमारी इस पृथ्वी पर जो मौसम बदलते हैं उनका प्रमुख कारण क्या है, और उसका प्रमुख कारण है कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुका होना। यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी ना होती तो परिक्रमण और परिभ्रमण होने से भी हमारी पृथ्वी पर मौसम में कोई भी परिवर्तन नहीं होता, और जहाँ गर्मी होती है वहाँ गर्मी ही साल भर होती रहती है, और जहाँ सर्दी होती है वहाँ साल भर सर्दी ही होती रहती है। लेकिन पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी है तो इसलिए हमारी पृथ्वी पर मौसम का बदलना जो है वो हो रहा है और मौसमों में परिवर्तन है। तो मौसम परिवर्तन का प्रमुख कारण जो है वो पृथ्वी का अपनी अक्ष पर झुका होना, और पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना झुकी है ये सभी जानते हैं। तो दोस्तों पृथ्वी अपनी अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, यानी 23.5 अंश झुकी हुई है। अगला देखते हैं, लघु ज्वार भाटा पैदा होता है। कब पैदा होता है, यानी हमारी पृथ्वी पर ज्वार भाटा आते हैं, और हम लोग जानते हैं कि जब हमारी पृथ्वी पर एक तरफ चंद्रमा होता है और दूसरी तरफ सूर्य होता है, सूर्य और चंद्रमा, तो दीर्घ ज्वार आते हैं। या एक ही साइड में जब सूर्य और चंद्रमा होता है, इधर अगर सूर्य है तब भी दीर्घ ज्वार आएंगे, लेकिन लघु ज्वर जब आएंगे कि जब चंद्रमा जो है वो इधर होगा, यानी ये 90 अंश का कोण बनाते हुए सूर्य और चंद्रमा होंगे, तब हमारी पृथ्वी पर लघु ज्वार आते हैं। और ये लघु ज्वार हर शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की सप्तमी को आते हैं, यानी कि ये कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की 7 तारीख को आएंगे। तो अगला हमारा प्रश्न है कि जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो होता है, यानी तो क्या होता है। पृथ्वी और जब हमारी पृथ्वी एक तरफ सूर्य होता है और दूसरी तरफ चंद्रमा होता है तो हमारी पृथ्वी पर क्या होता है, यानी सूर्य की रोशनी जो है पृथ्वी से ढक कर चंद्रमा पर नहीं पहुंचती, तो चंद्रमा पर जो है वो ग्रहण लगता है जिसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। तो हमारी पृथ्वी पर जब सूर्य और चंद्रमा एक शीत में होंगे और पृथ्वी सूर्य तथा चंद्रमा के बीच में होगी तो चंद्र ग्रहण होगा। पृथ्वी के गिर्द चट्टानों की बाहरी परत को क्या कहते हैं, तो हमारी इस पृथ्वी पर जो ऊपरी परत है इसे हम क्या कहते हैं, तो इस परत को कहते हैं भूपर्पटी कहते हैं। किस फसल के लिए काली मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है, तो काली मिट्टी कौन सी फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, तो इसका उत्तर है कपास, कपास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। अगला है कि समोच्च रेखाएं क्या हैं, यानी हमारी पृथ्वी पर सागर तल से समान ऊंचाई को मिलाने वाली रेखाएं हैं, समोच्च रेखाएं हैं। अगला प्रश्न है कि डुरांड रेखा किन दो देशों के बीच है, तो दोस्तों डुरांड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है, लेकिन ये पाकिस्तान व अफगानिस्तान के बीच है, लेकिन कभी ये रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच थी, और विभाजन के बाद ये रेखा पाकिस्तान और भारत के बीच है। विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है, तो विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी
जो है वो मैक्सिको की खाड़ी है। मैक्सिको की खाड़ी जो कि संयुक्त उत्तरी अमेरिका के तट पर है, अटलांटिक महासागर है, उस महासागर में है जिसे मैक्सिको की खाड़ी के नाम से जानते हैं, और ये उत्तरी अमेरिका में है। भारत में सबसे बड़ी समुद्री रेखा वाला राज्य है, भारत का वह राज्य जिसकी सबसे बड़ी समुद्री रेखा है, तो वो राज्य है गुजरात। गुजरात राज्य है जिसकी सबसे बड़ी समुद्री रेखा है। डक्कन दर्रा किसके बीच स्थित है? तो डक्कन दर्रा ये जो है वो अंडमान द्वीप समूह के मध्य लगभग 11 अंश उत्तरी अक्षांश के पास स्थित है। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। हीरा कुंड परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो दोस्तों हीरा कुंड परियोजना जो है वो महानदी पर बनाई गई है, महानदी पर बनाई गई है। वहीं एक भूकंप का भूकंपी केंद्र स्थित होता है, यानी भूकंप का भूकंपी केंद्र कहाँ होता है? तो भूकंप का भूकंपीय केंद्र जहां पर पृथ्वी पर भूकंप आता है, तो ये जो है वो अभिकेंद्र होता है, अभिकेंद्र, और इसी के नीचे भूकंपीय केंद्र होता है जिसे के फोकस कहते हैं, फोकस, तो इसे भूकंपीय केंद्र होता है, ये पृथ्वी के अंदर होता है। अगला है हमारा के पृथ्वी पर खारे जल व मृदु जल का अनुपात है। तो दोस्तों पृथ्वी पर खारे जल व मृदु जल का अनुपात है 97.03 अनुपात, 97:03। अगला प्रश्न है कि पार्थिव विकिरण वायुमंडल को कितने प्रतिशत गर्म करता है, यानी हमारे इस पृथ्वी के वायुमंडल को पार्थिव विकिरण कितना गर्म करता है? सूर्य से जो हमारे पृथ्वी को शॉर्ट वेव रेडिएशन प्राप्त होता है, और पृथ्वी से लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जो होता है उससे पृथ्वी का जो गर्म होने का जो दर है वो क्या होती है? तो ये हमारा पृथ्वी से लगभग 85% गर्म होता है, वहीं शॉर्ट वेव से 15% गर्म होता है। अगला है कि उष्ण कटिबंधीय पतझड़ी वन में एक वृक्ष अपने पत्तों को क्यों गिराते हैं, यानी उष्ण कटिबंधीय जो वन होते हैं उनमें वृक्ष अपने पत्तों को क्यों गिरा देते हैं? तो वो इसलिए गिरा देते हैं क्योंकि उष्ण कटिबंधीय वनों में जब तापमान नीचे गिरता है तो उस तापमान से बचने के लिए ये वन अपने पत्तों को गिरा देते हैं, जिससे कि इन वनों के जो पेड़ हैं वो जीवित रहें और पेड़ों में नुकसान कम हो। यानी कि जब यहाँ का तापमान 6 डिग्री तक आ जाता है, सर्दियों में 6 डिग्री तापमान आ जाता है, तो इस समय ये अपने पत्तों को गिरा देते हैं, और गर्मियों में ये फिर से पत्ते इनमें निकल आते हैं। तो दोस्तों ये आज के हमारे सवाल रहे और ये उनके उत्तर रहे। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, और ना पसंद आया हो तो डिसलाइक कर दें, और चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन दबाने से ही आपको हमारा वीडियो सबसे पहले मिल जाएगा। तो मिलते हैं शीघ्र ही अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।